हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? दिस इज अतुल कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में कुछ डाउट्स थे जो मुझे कमेंट्स में पूछे गए थे, उनका मैंने जो रिप्लाई कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप जो देख सकते हैं, आई बटन में मैं जो लिंक डाल दूंगा। लेट्स मूव डायरेक्टली टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये प्रोस्पेक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के 2021 और 22 वाले सेशन के लिए। तो नीचे आपको जो है यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो डायरेक्ट हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बहुत सारे डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स और जो है यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो है अवेलेबल नहीं, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही अवेलेबल है, वो हम डायरेक्ट देखते हैं। सो दीज आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर मैं सिंपली बात करूँ मास्टर्स प्रोग्राम की, तो यहाँ पे एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन प्लांट साइंस दैट इज बॉटनी, और नीचे हम देखें तो एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये हमें जो एमएससी मिलती है। और साथ ही नीचे देखते हैं एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पे जो है मास्टर्स ऑफ साइंस में ये प्रोग्राम मिलते हैं। एमए की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, एमए इन संस्कृत, एमए इन हिस्ट्री पंजाबी, एंड नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमए इन इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलती है, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी देखने को मिलती है, और नीचे बात करें एमए इन एजुकेशन, एमए इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रोग्राम्स की, तो वो बच गए हमारे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जो एक साल का ये कोर्स है, ये भी आपको जो है देखने को मिलता है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम जो है कहाँ कहाँ पे, जो डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट लोकेशन पे, तो कौन सी लोकेशन पे कौन सा प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देहरा लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, विजुअल आर्ट्स पंजाबी एंड सोशल वर्क, यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है। और बाकी भी आप देख सकते हैं। धर्मशाला लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर हम लास्ट में बात करें जो शाहपुर ब्लॉक है, वहाँ पे आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो एमएससी है और या फिर एमसीए, वही प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमएससी इन फिजिक्स या फिर बीएससी, अबे जल्दी बोल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एनिमल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, या फिर वैदिक मैथमेटिक्स, ये सभी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही कंप्यूटेशन, बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स आपको जो डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिलते हैं। कुछ जो है लाइब्रेरी देखने को मिलती है, जैसे कि आप ये पिक देख सकते हैं, कुछ ऐसी थी आपको जो है एक लाइब्रेरी देखने को मिलती है। बाकी मैंने एक वीडियो डाली है, वहाँ पे जो लाइब्रेरी का जो आउटर पोर्शन है वो मैंने दिखाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन आपको बुक्स अवेलेबल है वहाँ पे। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो आप जो है ये रिजर्वेशन का कॉलम दिया हुआ है, कितनी परसेंट सीट्स किसके लिए जो है एलोकेट्स होती हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं हिमाचल में और साथ ही इंडिया में, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एमबीए हो चाहे एमएससी हो चाहे बीएससी, इस प्रोग्राम की सभी की जो है सेम फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे फीस को जो ब्रेक किया गया वो आप यहाँ पे जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो अगर मैं टोटल फीस की बात करूँ जो एम बी ए एम एस सी के लिए, वो है 13,300 रुपये, जिसमें कि आई थिंक जो 3,000 रुपये होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एम ए की क्या फीस है, एम ए, एम एफ ए, एम एल आई एस और बी एल एस की, तो यहाँ पे आपको जो फीस स्ट्रक्चर टोटल देखने को मिलता है वो है 5,000 रुपये। और साथ में एम ए संस्कृत की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको सिर्फ 3,900 रुपीज़, और बी ए संस्कृत करूँगे तो आपको सिर्फ 1,540 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूँ, जैसे बी ए, बी एफ ए या बी वॉक के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देने होंगे 2,140 रुपये। यहाँ पे अगर आप जो है पी जी डिप्लोमा करते हैं जो एक साल आई थिंक 1 ईयर का होता है, तो उसके लिए आपको टोटल पे करने होंगे 2,100 रुपये। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि आप फीस स्ट्रक्चर और क्या कौन कौन से कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं। सो अब भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और अरे कहना क्या चाहते हो, इफ पॉसिबल मेक अ वीडियो ऑन दैट नॉट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।